आज हम बात करेंगे करंट सेंस रजिस्टर के ऊपर कि करंट सेंस रजिस्टर हमारा किस तरीके से काम करता है, कैसे इसकी चेकिंग की जाती है, अगर ये डैमेज हो जाए तो सर्किट में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और कौन कौन से लाइन में इसको यूज़ किया जाता है और कौन कौन सी आईसी के साथ इसको यूज़ किया जाता है, इसके बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारा 27 जुलाई का जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर कोई बच्चे इसमें जुड़ना चाहे तो अपने कॉल करके सीट को बुक करा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो हमारा करंट सेंस रजिस्टर है ये किस तरीके से काम करता है, पहले इसकी काम को समझेंगे, फिर इसकी पहचान को समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसे ही ये आपको, ये जो हमारा करंट सेंस रजिस्टर है, जब हम चार्ज में लगाते हैं तो चार्जिंग में लगाने के बाद जो चार्जिंग ऐसे से हमारा वोल्टेज आउट होता है, तो वोल्टेज आउट होने के बाद देखिए ये हमारी जाती है बैटरी कनेक्टर पर, उसके बीच में ये लगा हुआ होता है, ठीक है। तो उसके बीच में लगा होने के कारण ये किस तरीके से काम करता है, तो देखिए एक तरफ से हमारी क्या करती है, बैटरी के करंट को सेंस करती है। बैटरी के करंट का मतलब ये है कि बैटरी में हमारी कितनी चार्ज है, ये इन्फॉर्मेशन ली जाती है एक तरफ से, ठीक है। और ये जो हमारा चार्जिंग आउट है, ये इसकी इन्फॉर्मेशन ली जाती है चार्जिंग आईसी की तरफ की, चार्जिंग आईसी से हमारा कितना वोल्टेज आउट हो रहा है, ठीक है, कितना हमें करवाना है इस आईसी से। अगर यहाँ पर वोल्टेज आपकी कम आउट करेगी तो भी क्या करेगी, इस आईसी से बताएगी जाके सीपीयू को कि यहाँ पे वोल्टेज क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करती है करंट सेंस रजिस्टर। और ये जो है आपको वाइट कलर में भी देखने को मिलेंगे, कई कई बोर्ड में आपको ब्लैक कलर के भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये जो कोड रजिस्टर होता है, इसको कोड रजिस्टर भी बोला जाता है क्योंकि इस पर एक नंबर लिखे हुए हैं R010, ठीक है। तो ये इसके कोड भी लिखा हुआ है, और इसको बेसिकली बोला जाता है करंट सेंस रजिस्टर, ठीक है। और ये आपको अलग अलग लाइन में देखने को मिलेंगे। ये देखिए हमारा ये बैटरी कनेक्टर है, और ये इसकी पॉजिटिव लाइन में क्या है, कनेक्टेड है। ये इस तरीके से क्या है, पॉजिटिव लाइन में कनेक्टेड है, और कभी कभी आपको इस तरीके से निगेटिव लाइन में देखने को मिलेगा, जो देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि ऊपर हमारा क्या है प्लस पॉइंट है, और नीचे हमारा क्या है ग्राउंड है। और ग्राउंड के साथ देखिए हमारा एक साइड तो हमारी ये ग्राउंड ही है, और यहाँ पे क्या होता है कि एक साइड हमारी CS प्लस की लाइन यहाँ जा रही है और इस आईसी में जा रही है, और फिर दूसरी लाइन क्या हो रही है हमारी, इस आईसी में जा रही है माइनस के हिसाब से, ठीक है। तो दोनों से हमारी एक चार्जिंग की करंट को सेंस करती है, और एक हमारी बैटरी के करंट को सेंस करने का काम करती है कि हमारी बैटरी में कितना चार्ज है और कितना इनको वोल्टेज को देना है, ठीक है। तो ये लोग जो है, बहुत लोग इस रजिस्टर को चेक करते हैं, और चेक करने के बाद ये जब माइनस में लगे हुए होते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे शॉर्ट बताते हैं, शॉर्ट बताते हैं तो क्या करते हैं, वो निकाल के इसको जंपर कर देते हैं, या फिर निकाल के इसको फेंक देते हैं कि हमारी शॉर्टिंग है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो है हमारी माइनस में ही लगी हुई, तो क्या बताएगी, ये इधर से इधर हमारी कंटिन्यूटी ही बताएगी, मतलब जब आप मीटर में चेक करोगे तो ये क्या बताएगी, बीपी बताएगी, ठीक है। तो ये क्योंकि बहुत ही बेसिकली बहुत कम ओम का रहता है, अभी हम स्कीमेटिक में भी देखेंगे कि ये किस तरीके से लगे हुए होते हैं और कैसे इसको पहचाना जाता है, ठीक है। और इसको मदरबोर्ड में भी देखेंगे अच्छी तरीके से कि ये किस तरीके से दिखते हैं। तो ये देखिए, ये तो हमारी हो गई बात माइनस और प्लस लाइन में भी देखने को मिलेंगे। ऊपर से कभी कभी आपको इस तरीके से भी देखने को मिलेंगे कि देखिए, ये जो हमारी चार्जिंग आउट हो रही है वोल्टेज, ये इसके लिए क्या होती है, एक अलग सी आईसी लगा के दी गई है, जो कि फ्यूल गेज आईसी के नाम से इसको जाना जाता है। कभी कभी आपको इस तरीके से भी सर्किट आपको देखने को मिलेगी, जो कि चार्जिंग आईसी से यहाँ पे देख रहे हैं चार्ज आउट के नाम से वोल्टेज आउट हो रही है, और यहाँ पे देखें आप तो एक फ्यूल गेज आईसी लगा हुआ है। फ्यूल गेज आईसी लगा होने के बाद क्या होती है, ये दोनों तरफ से करंट को सेंस करती है इस तरीके से, इस साइड से हमारे चार्जर के करंट को सेंस करती है, और इस साइड से हमारा क्या करती है, बैटरी के करंट को सेंस करती है, ठीक है। कभी कभी आपको इस तरीके से भी सर्किट देखने को मिल सकते हैं, जो कि एक देखिए हमारा पॉजिटिव से ही वोल्टेज आउट हो रहा है, लेकिन क्या हो रही है, जो इसकी करंट सेंस माइनस है और करंट सेंस प्लस है, दोनों क्या हो रही है, हमारी चार्जिंग आईसी के अंदर ही हमारी इन हो रही है, और चार्जिंग आईसी के अंदर ही हमारी करंट को सेंस की जा रही है, ठीक है। चार्जिंग आउट भी हो रही है हमारी चार्जिंग आईसी से, और जो हमारा करंट सेंस जो रजिस्टर है, इसकी दोनों जो कनेक्टिविटी है वो जा रही है हमारी चार्जिंग आईसी में ही, ठीक है। और कभी कभी आपको इस तरीके से भी सर्किट देखने को मिलेंगे, जो इस तरीके से तो लाइन में लगे हुए हैं, देखिए इसमें ग्राउंड में लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन इसकी दोनों कनेक्टिविटी कहाँ जाएगी, वो पावर आईसी के अंदर जाएगी, ठीक है। तो एक तरफ से इसकी चार्जिंग के करंट को सेंस किया जाएगा कि बैटरी में हमारा कितना चार्ज है, और दूसरी तरफ से इसकी चार्जर की करंट को सेंस किया जाएगा, जो हमारी चार्जिंग से वोल्टेज आउट हो रहा है वो हमारी कितना वोल्टेज आउटपुट हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ को मेजर करने के लिए लगा हुआ रहता है, और ये अदर अदर मॉडल में अलग तरीके से सर्किट दिए हुए रहते हैं। तो ये आपको पावर आईसी के पास भी देखने को मिल सकते हैं,
और ये आपको चार्जिंग आईसी के पास भी देखने को मिल सकते हैं, या फिर ये आपको फ्यूल वेज आईसी के साथ कनेक्टेड आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये तीन आईसी है, तीन आईसी में किसी भी आईसी के साथ आपको कनेक्टेड देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर ये ख़राब हो जाए तो ख़राब होने से होगा क्या इसमें प्रॉब्लम, जो हमारे फ़ोन है अगर ये यहाँ पर रजिस्टर क्या होगी ख़राब हो जाएगी, तो ख़राब हो जाएगी तो ये चार्जिंग आईसी में क्या होगा इनको पता नहीं चल पाएगा कि इसमें हमारी कितनी चार्ज है, क्योंकि ये रजिस्टर से ही पता चलता है कि हमारी बैटरी में कितनी परसेंटेज है और कितनी परसेंटेज दे के उनको आगे बढ़ा के चार्ज करना है। ठीक है, अगर यहाँ से इनकी लाइन ब्रेक हो जाती है तो क्या होगी, ये सेंस नहीं कर पाएगी, और सेंस नहीं कर पाएगी तो क्या होगी, हमारी फ़ोन जो है हमारी फेक चार्जिंग में चली जाएगी, जो हमारी बैटरी की परसेंटेज है वो परसेंटेज इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, और इसी तरीके से ये सी एस माइनस वाली लाइन भी अगर यहाँ से ब्रेक हो जाए तो भी इसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो दोनों को इन्फॉर्मेशन देने और लेने का लिए लगाया गया है कि बैटरी में हमारी कितनी इन्फॉर्मेशन है और हमारी चार्जिंग से जो वोल्टेज आउट हो रही है उसमें हमारा कितना करंट है, तो दोनों चीज़ को मेजर करने के लिए लगाया गया है ये करंट सेंस रजिस्टर। और कई लोग इसको शॉर्ट समझ के निकाल देते हैं, क्योंकि देखिए कभी ये आपको नेगेटिव में रहेंगे तो आपको शॉर्ट दिखेंगे, लेकिन पॉजिटिव में रहेंगे तो आपको वैल्यू दिखेंगे। और ये रजिस्टर आपको चेक करके अगर ये ख़राब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो आपको किसी दूसरे मदरबोर्ड में आप निकाल करके लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि ये मदरबोर्ड में आपको किस तरीके से दिखेगा। तो सबसे पहले देखिए, ये एक मदरबोर्ड है जो आपको इस तरीके से करंट सेंस रजिस्टर देखने को मिलेगा, और इसमें एक कलर का कोड लिखा हुआ रहेगा, जैसे इस तरीके से देख सकते हैं 0110, तो इस तरीके से ये क्या रहेंगे रजिस्टर पे एक नाम लिखे हुए रहेंगे, और ये हमारा वाइट कलर के होगा, और ब्लैक कलर से इसमें क्या होगा एक कलर का कोड लिखा हुआ रहेगा इस तरीके से 010। ठीक है, अब ये अलग अलग आईसी से कनेक्टिविटी होती है तो ये किस तरीके से काम करते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, एक हमारा अलग से फ्यूज गेज आईसी लगा हुआ है और उसमें हमारी क्या है इसकी कनेक्टिविटी है। तो देखिए, चार्जिंग आईसी से ये हमारा क्या हो रहा है, वोल्टेज यहाँ पे आउट हो रहा है, और चार्जिंग आईसी से जो वोल्टेज आउट हो रही है, आउट होने के बाद देखिए ये जा रही है यहाँ पे, और ये लाइन हमारा कनेक्टर, ये जो आईसी है हमारा फ्यूल गेज आईसी, इस पे हमारी सी टू पे कनेक्टेड है। ठीक है, सी टू पे कनेक्टेड है जो एसआरएन के नाम से है, और दूसरी तरफ रजिस्टर के इस पार अगर देखें तो देखिए ये हमारी जा रही है बैटरी कनेक्टर में, और लेकिन बैटरी कनेक्टर की लाइन भी हमारी क्या हो रही है सी वन से कनेक्टेड है। तो ये इसकी बैटरी की जो इन्फॉर्मेशन है कि बैटरी हमारी कितनी चार्ज है, ये इस तरीके से सी वन से इसमें ली जाती है एस आर पी के वाली लाइन से। ठीक है, और इसमें बैटरी की इन्फॉर्मेशन लेने के बाद इसमें सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक से सीपीयू को बताया जाता है कि इसमें हमारी कितनी चार्ज है। ठीक है, और ये होने के बाद फिर देखिए हमारी एक चार्जिंग आउट की जो लाइन है, चार्जिंग आउट होती है हमारी चार्जिंग आईसी से, जो जो हमारी आईसी से वोल्टेज आउट हो रही है वो इस तरीके से इसमें आएगी, इस तरीके से सबसे पहले यहाँ पे आएगी, और आने के बाद ये जाएगी हमारी इसी आईसी में अंदर में, और अंदर में जाने के बाद ये बताएगी सी टू नंबर की बॉल से कि हमारी चार्जिंग की जो इन्फॉर्मेशन है ये सही वोल्टेज दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें चेक करेगी। ठीक है, और इसमें जितना वोल्टेज की ज़रूरत होगी तो यहाँ पर वो वोल्टेज आउट करवाएगा। ठीक है, वी वेट पे। तो इस तरीके से ये एक फील्ड गेज की आईसी का काम करते हैं, और इससे ज़्यादा हम लोग एक्सप्लेन करते हैं अच्छी तरीके से एक लाइन के बारे में, एक एक सर्किट के बारे में, और एक एक फॉल्ट फाइंडिंग के बारे में क्लास में अपनी स्टूडेंट को बताते रहते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप कॉल करके सीट को बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक हमारा और भी मदरबोर्ड है जो कि इस तरीके से, देखिए ये हमारा चार्जिंग आउट हो रहा है, जो कि एक चार्जिंग ऐसी से ही आउट हो रही है ये चार्जिंग आउट, और आउट होने के बाद देखिए ये हमारा क्या है वी बेट हमारी जा रही है डायरेक्ट हमारी बैटरी के कनेक्टर पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखिए हमारा रजिस्टर है, और रजिस्टर की जो आप ओम से देखें तो देखिए ये 0.01 R लिखा हुआ, तो ये हमारी 0.01 ओम का होता है, बहुत ही कम ओम का होता है, अगर आप इसको चेक भी करेंगे तो ये बीप मारेगी। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आप यहाँ से चार्जिंग आउट हो रही है, और चार्जिंग आउट होने के बाद रजिस्टर इसमें डायरेक्ट कनेक्ट नहीं की गई है। ठीक है, इसको अलग से दिया गया है, तो आप इसकी लाइन के हिसाब से मिला सकते हैं। तो देखिए ये हमारा चार्जिंग आउट है, और चार्जिंग आउट देखिए होने के बाद ये हमारी आ रही है करंट सेंस रजिस्टर के ऊपर। ठीक है, और ये यहाँ से जा रही है डायरेक्ट हमारी चार्जिंग आउट वाली जो लाइन है ये हमारी जा रही है डायरेक्ट सी एस माइनस में, जो कि चार्जिंग हमारी कितनी आउट कर रही है ये क्या करेगी इस तरीके से सेंस करेगी, और जो हमारी बैटरी में कितनी चार्जिंग है तो देखिए हमारे बैटरी की वोल्टेज आएगी डायरेक्ट इस रजिस्टर पे। और देखिए इस साइड से जो हमारा इसके बीच में जो लगा हुआ रजिस्टर है ये देखिए हमारी वी बेट से क्या हो रही है इधर
सेंस कर रही है, जो हमारी 61 नंबर की बॉल पे सेंस कर रही है, सीएस प्लस करंट सेंस प्लस और करंट सेंस माइनस, ठीक है। तो दोनों की जो सेंसिंग होती है, कितनी चार्ज है बैटरी में और किस तरीके से इसको कितनी वोल्टेज की ज़रूरत है, तो ये हमारा सीएस प्लस और सीएस माइनस काम कराता है इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं ये हमारा एक चार्जिंग ऐसी है, और इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया वो एक सिर्फ फील गेज ऐसी था, और ये इसमें चार्जिंग ऐसी है, और इसी से हमारा क्या हो रहा है वोल्टेज, देखिए इस साइड से हमारा वोल्टेज आउट हो रहा है, जो देखिए आप चार्ज आउट के नाम से आउट हो रही है, और आउट होने के बाद जा रही है हमारी इधर, देखिए इस साइड हमारी चार्ज आउट के नाम से, यहाँ पे देख सकते हैं चार्ज आउट हो रही है, और आउट होने के बाद जाती है हमारी एक रजिस्टर में, और रजिस्टर वाली लाइन जो जाती है हमारी बैटरी कनेक्टर पे, ठीक है। तो इस तरीके से जाती है बैटरी कनेक्टर पे, और फिर जब इसकी बैटरी की इन्फॉर्मेशन ली जाती है, तो यहाँ से ये जो लाइन है इस साइड से बैटरी की कनेक्टिविटी ली जाती है, कहाँ पे, सीएस प्लस पे, जो कि 61 नंबर की बॉल पे है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको चेक किया जाता है, और देखेंगे हम एक और स्कीमेटिक, जो कि उसमें पावर आईसी में जा रही है सेंसिंग के लिए, तो हम उसको भी देख लेते हैं अच्छी तरीके से। तो देखिए एक हमारे पास, और ये देखिए ये जो करंट सेंस रजिस्टर है, इसमें क्या होता है हमारा, इसमें माइनस में लगा हुआ है, ये देखिए ये क्या है हमारा बैटरी कनेक्टर है, और बैटरी कनेक्टर में देखिए हमारी कितनी लाइन होती है, चार लाइन होती है, जो कि एक वीबेट की लाइन है, तो देख सकते हैं ये हमारा वीबेट की लाइन है, वीबेट मतलब पॉजिटिव वाला लाइन है, ठीक है। और दूसरी लाइन होती है हमारी आईडी लाइन और थर्मल लाइन, ठीक है। तो आईडी लाइन है एक, और एक हमारी क्या है इधर देखिए, तो ये हमारी क्या है आईडी लाइन है, और ये हमारी क्या है थर्मल लाइन है, और ये जो है हमारी, ये हमारी है क्या ग्राउंड लाइन। तो ग्राउंड के साथ देखिए आप इसमें यहाँ पे क्या है कनेक्टेड है इस तरीके से, देखिए ये हमारी लाइन क्या है ग्राउंड है, और यहाँ से आ रही है, और ग्राउंड लाइन के साथ ये देखिए रजिस्टर हमारा कनेक्टेड है, जो कि 0.01 ओम का है। और ये देखिए इधर से हमारी बैटरी के इन्फॉर्मेशन से चेक किया जाता है कि हमारा बैटरी में हमारा चार्जिंग कितनी है, और एक तरफ से इसमें चार्जर के इन्फॉर्मेशन ली जाती है। तो अगर इसकी आगे की बात करें कि ये हमारा आगे कहाँ जाता है, तो हम इसको भी देखते हैं कि ये किस आईसी से आ रहा है। तो देखिए इस तरीके से इसको अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, तो ये देखिए जो हमारा पावर आईसी है, और ये हमारा कहाँ से आ रहा है पावर आईसी से आ रहा है, वो आप इस तरीके से देखें तो देखिए ये हमारा एक 6357 CRV का जो आईसी होता है उससे आ रहा है, ठीक है। और ये आईसी में एक फ्यूल गेज का सेक्शन दिया गया है इस तरीके से, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं गेज का, तो गेज का मतलब होता है हमारा मीटर, ठीक है। तो बैटरी में जो हमारी कितनी चार्ज है उसको मापने के लिए ये सेक्शन बनाया गया है। किसी किसी में, सारे में यही सेक्शन है, लेकिन किसी किसी में इस तरीके से है, जो एक आईसी अलग से दे दी गई है फ्यूल गेज आईसी, किसी किसी में वही गेज वाली आईसी जो है चार्जिंग आईसी में ऐड कर दी गई है, किसी किसी में वही आईसी क्या कर दी गई है पावर आईसी में ऐड की कर दी गई है, ठीक है। और तीनों आईसी में ऐड करने के बाद देखिए जो मेन काम होता है हमारा सेंसिंग का, वो भी हमारी क्या होती है सेंसिंग ही कर रही है, तीनों आईसी खाली अलग अलग कर दी गई है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अगर कोई बच्चे ज्वाइन होना चाहते हैं ये जुलाई बैच में, तो आप कॉल करके सीट को बुक करा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फोन फिक्स हैदराबाद की तरफ से जय हिंद जय भारत।